गाइस पहुंच गए हैं मॉल। 3, 2, 1 अभी थोड़ा सा घूमेंगे, खाएंगे, पिएंगे, क्योंकि बंटी की तबीयत का कभी कुछ नहीं पता कैसी हो जाए, इसलिए जो खाना है वही जल्दी खा लो आप। ये देखो ये नया मॉल बना है तो काफ़ी बड़ा, अच्छा भी है, पर अभी थोड़ा सा मतलब फुली फंक्शनल नहीं है। तो गाइस अभी मॉल में आ गए हैं हम, टेरिस पे। मॉल तो जन्नत में बना रखा है ये वाला मॉल, बढ़िया है। हाँ, ये ऊपर पूरा खुला आसमान है, कोई छत नहीं है, पूरा खुला आसमान, और आसमान के नीचे हम दोनों तो नहीं है, काफ़ी लोग हैं यहाँ पे। अभी देखते हैं यहाँ पे कुछ खाने पीने का। यहाँ पे देखो रेस्टोरेंट का नाम है ठेला, द स्ट्रीट फूड, दादी की रसोई, दादा, व्हाट इज दिस, मैंने सोचा दादा है या दादी है, कंफ्यूज हो गई। और मौसम भी काफी अच्छा हो रहा है, वे ब्लॉग बना रहे हैं लोग गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सब बना रहे हैं, देखो पीछे दिख ही नहीं रहे कहाँ हैं, वो रहे। तो अभी बंटी ने डिमांड की है दादी की रसोई, अरे नहीं बोलू टिक्की, टिक्की अभी हम खाएंगे, पहले टिक्की, टिक्की के बाद देखते हैं क्या खाएंगे। चलो अभी सिलेक्ट करो, मेरे बर्थडे पे खाएगी बंटी टिक्की। मॉल अच्छा लगा भाई आज, आज थोड़ा सा मौसम भी अच्छा है ना, उस दिन दोपहर में आए थे तब अच्छा नहीं लगा। ऑर्डर हो गया है हमारा आलू टिक्की का, बहुत दिन से आलू टिक्की खाने का मन था, फाइनली मतलब यहाँ पे आलू टिक्की मिली है। अब टेस्ट देखो कितना अच्छा होगा या बुरा होगा। अरे यार कमंटे है, नकली सही पर बंटे तो है। ये लोग आए अपनी टिक्की आ गई है, लग तो कुछ ऐसी ही रही है क्योंकि मीठा ही मीठा लग रहा है मुझे तो। चलो अब खा लेते हैं, पहले बर्थडे बॉय को खिलाते हैं फिर खाते हैं। गाइस टिक्की खा ली पर इतनी वाव नहीं थी, बट ठीक थी, मन कर रहा था खाने का तो अच्छी लगी। हाँ, क्लब एंड लॉन्ग बार, इलाइट नाम से खुल गया। गाइस इधर बार है। तो गाइस अभी टिक्की के बाद हमने डिसाइड किया है मोमोज खाने का, बर्गर खाने का, बीफ रोल खाने का, फ्राइड राइस खाने का। मोमो में यहाँ पे कितना कुछ खाओगे, कुछ खा लेंगे, कुछ पैक करवा लेंगे। ज़्यादा बोल दिया आपने, कुछ पैक करवा लेंगे, कुछ खा लेंगे। आपको भूख लगी, क्या नाम है आपका? हरिंदर। तो अभी ऑर्डर आ जाता है फिर दिखाते हैं, मैं कोल्ड ड्रिंक लेके आता हूँ। और ये देखिए गाइस बंटी कुरकुरे मोमोज खा रहे हैं, कितना टेस्टी लग रहा, मस्त है ना। मेयोनीज लगा दी, मैं मेयोनीज नहीं खाता। आराम से खा लो, कोई जल्दी थोड़े, हम खा लेते हैं गाइस, बहुत मजा आ रहा है। बर्थडे बॉय ने एक प्लेट तो खाली कर दी है, अभी सैंडविच में लगे हुए हैं बर्थडे बॉय, एंजॉय कर रहे हो पूरा। मेरे को नहीं रहा था कि आपकी हालत देख के इतना एंजॉय कर पाऊंगा, देखा बहुत सारा मतलब टू मच वाला रोमांटिक वाला एंजॉयमेंट तो नहीं हुआ, लेकिन खाने पीने वाला हो गया। हाँ, ये सैंडविच है, उधर मोमो खा चुके हैं, इधर रोल पैक है, इधर चिली गार्लिक फ्राइड राइस पैक है, ये घर ले जाएंगे पैक, अभी पेट में स्पेस नहीं है ज़्यादा, क्योंकि खाया ही नहीं गया इतना। हाँ, शाम की रौनक देखो गाइस मॉल के बाहर, शाम क्या रात के 9 बज गए, इसलिए गुड़गांव अच्छा लगता है, इसलिए गुड़गांव मेरी फेवरेट सिटी है। मतलब मजा आ गया, दिन में तो इतना अच्छा नहीं लगा था, अब तो वाओ ऐसा लग रहा था जैसे पहले होता था ना सेलिब्रेशन, ऐसे ही हो रहा है, पहले जैसा तो नहीं हुआ। मतलब वो फिर उसके लिए तो मेहनत करनी पड़ती है ना, अभी तो मतलब ऐसा मतलब सही है, मतलब लेकिन अच्छा हो गया। हाँ, रेस्टोरेंट अच्छा मिल गया ना इसलिए। हाँ, खाना भी अच्छा था, टेस्टी था। अभी तो बचा हुआ है और हमारे पास,
मुझे लगता है हनी सुबह तक का पैक करवा के ले आए चल जाएगा। हाँ ये तो फ्राइड राइस तो सुबह ही खाए जाएंगे, अब तो रोल ही खाया जाएगा। तो गाइस मॉल से आ गए थे, उसके बाद थोड़ा रेस्ट किया, घर पे बात की और टाइम हो गया 11:20। और अभी हमारी दो चीज़ पेंडिंग हैं, रोल और फ्राइड राइस। अब फ्राइड राइस तो खा ही नहीं जाएंगे, इतना स्पेस नहीं है, तो अभी खाएंगे सिर्फ एक रोल। बंटी ने दवाई भी ले ली, सुंदर लग रहे हो। मैं नी मंग दी चन तारे ओ खाबा वाला देश। तो अभी खा लेते हैं रोल, मैं लेके आता हूँ। तो गाइज पहले फ्राइड राइस ओपन किए हैं चेक करने के लिए कि टेस्ट कैसा है, फिर इनको फ्रिज में रखेंगे नहीं तो फेंक देंगे। अभी बंटी बताएंगी टेस्ट कैसा है इसका। कल गार्लिक वाले नहीं क्या? चिल्ली गार्लिक थे यार, गार्लिक नहीं लग रहा। कहीं उसने सिंपल वाले तो नहीं दे दिए? नहीं, पनीर है तो पनीर वाले दिए, गार्लिक तो दिया ही रहा। चिल्ली गार्लिक फ्राइड राइस, चिल्ली तो दी है भाई। रोल की हो रही है गाइस ओपनिंग। कौन से वाला रोल है हनी? ये वेज पनीर रोल नहीं? हाँ वेज पनीर ही तो था सब में, देखने दो बिल में और कुछ लग रहा है मुझे ये। हाँ पनीर रोल, पनीर रोल खोल दिया। चलो टेस्ट करके बताओ कैसा है। मेरा मुझे नहीं लगी मिर्ची, हनी को मिर्ची लगी है उसमें। यस हाउज तीखा है? ज़्यादा तीखा नहीं है। तो चलो गाइज आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं पनीर रोल के साथ। हनी का बर्थडे कुछ इस तरह से हमने सेलिब्रेट किया, आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। और चैनल अगर को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय, गुड नाइट।